वेलकम टू आवर चैनल एनन अकेडमी टीचिंग एंड नोट्स। रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइटिंग कॉम्पोजिशन। तो इसके लिए आप इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसमें हम जो रिपोर्ट राइटिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे फाइनली डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनन अकेडमी टीचिंग एंड नोट्स। फ्रेंड्स, आज हम राइटिंग सेक्शन में 10th टू 12th क्लासेस में ये आती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस करेंगे। 120 टू 100 मार्क्स, सॉरी वर्ड्स, इसकी वर्ड लिमिट होती है, और 5 मार्क्स ये भी कवर करती है। तो इस लिहाज से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट राइटिंग कॉम्पोजिशन। तो हम रिपोर्ट में क्या कवर करते हैं, क्या होती है रिपोर्ट, इसे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसमें हम जो रिपोर्ट राइटिंग के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे फाइनली डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग? सिंपल सी एक लाइन में अगर मैं इसकी डेफिनेशन देनी आपको समझाना चाहूं, तो रिपोर्ट इज अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या होती है रिपोर्ट? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। कोई इवेंट हुआ, इंसिडेंस हुआ या एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी, रॉबरी हुई, तो रिपोर्ट जो है उन सबका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। आंखों देखा हाल, घटना घटी, कोई हैपनिंग हुई, कोई इवेंट हुआ, कोई सेलिब्रेशन ही हुआ, वो कब हुआ, कहाँ हुआ, उस इवेंट में कौन कौन इन्वॉल्व था, उसे ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, रॉबरी हुई है, तो उसमें विक्टिम कौन था, और इन सब का एक तरह से समझ लीजिए आई विटनेस। जो रिपोर्टर होता है वो किस तरह से लिखता है? आई विटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। आई विटनेस की जो स्टेटमेंट्स होती है उन्हें कोट करते हुए लिखता है, यानी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देता है कि जो रियलिटी में घटित हुआ। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही होती है रिपोर्ट राइटिंग। ये हालांकि है हमारी इमेजिनेशन, बट हम अपनी इमेजिनेशन को कैसे यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे कि जैसे कि वो एक बहुत रियल इंसिडेंस हुआ है। अगर आप ये एक्सप्रेशन देने में कामयाब रहते हैं रिपोर्ट राइटिंग में कि ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट हुआ है, सच में हुआ है, अगर ये एक्सप्रेशन देने में आप कामयाब रहते हैं तो यू आर गेटिंग फुल मार्क्स, पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो फैक्चुअल होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन को आपको इस तरह से लिखना है, शो करना है कि वो फैक्ट है। तो रिपोर्ट जो है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होती है, इसलिए जो भी इंसिडेंस है वो हो चुका है, पास्ट में हो चुका है, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? रिपोर्टिंग ऑफ द पास्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। क्या होगा? पास्ट टेंस। हम पास्ट टेंस में ही सेंटेंसेस बनाएंगे, वाज वर का यूज करेंगे, डिड का, हैड का, और प्लस सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी का यूज करते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पास्ट टेंस होता है, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ये हमें कंसीडर करना है, ये हमें ध्यान रखना है हर सेंटेंस लिखते हुए, क्योंकि रिपोर्ट किसी पास्ट इवेंट की एक
रिपोर्टिंग मतलब कवर किया जा रहा है उस पास्ट इवेंट को, डिस्कस किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो उसके सारे सेंटेंसेस हम पास्ट टेंस में बनाएंगे। मैं जब कॉपीज चेक करता हूँ, आंसर शीट्स देखता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स वो लिखते हैं लेकिन वो सेंटेंसेस का ध्यान नहीं रखते, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में लिख देते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस में बनेगी। चलिए अब रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कैसे हम लिखेंगे? सबसे ऊपर लिखते हैं हम हेडलाइन, ये भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव इन द सेंस कि हेडलाइन जो है वो आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या लिखा रहता है, टू टेररिस्ट वर किल्ड, है ना, मतलब जिस्ट जो आप न्यूज़ या आप रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं उस रिपोर्ट के बारे में आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हेडलाइन ही दे देती है। तो आपकी हेडलाइन या जो हेडलाइन में आप कुछ इवेंट ही लिखते हैं, नेम ऑफ द इवेंट ही लिखते हैं, सबसे पहले ये लिखा जाएगा, फिर इसी के नीचे नेम ऑफ द रिपोर्टर, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, कौन है आप, निधि, नकुल, राजन, कोई भी मतलब नाम आपको दिया रह सकता है, तो आप उसको हेडलाइन के नीचे लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे प्लेस एंड डेट, ये रिपोर्ट कहाँ कवर की जा रही है, रिपोर्ट कहाँ लिखी गई है और किस डेट में लिखी गई है। ये प्लेस एंड डेट दूसरे जो इवेंट हो रहा है उसके प्लेस एंड डेट से अलग हो सकता है। तो नंबर वन हमारा हेडलाइन हो गया, नंबर टू हो गया हमारा प्लेस एंड डेट, नंबर टू हो गया हमारा नेम ऑफ द रिपोर्टर, नंबर थ्री हो गया प्लेस एंड डेट, नंबर फोर आपका ओपनिंग पैराग्राफ, ये यहाँ से आपकी रिपोर्ट शुरू हो जाती है। ओपनिंग पैराग्राफ में क्या क्या कवर करते हैं आप, ओपनिंग पैराग्राफ में आप सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, मतलब क्या, अगर कोई सेलिब्रेशन है या कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है ना, या कोई एक्सीडेंट है, रॉबरी है, क्या हुआ, आप वहाँ से डिस्कस करेंगे, कहाँ हुआ, किस जगह पर वो हुआ, स्कूल में हुआ, घर में हुआ, ऑडिटोरियम में हुआ, हॉल में हुआ, होटल में हुआ, व्हेन यानी डेट इसमें आप लिखेंगे, और हु ऑर्गेनाइज़र कौन था, अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम करने वाले कौन थे, कितने थे, तो ये सारा हम यहीं से शुरू करते हैं ओपनिंग पैराग्राफ में। ये इम्पॉर्टेंट होता है, यहीं से जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो, क्योंकि ये तो हम लिख ही लेते हैं, ये तो बहुत इजी है लिख लेना, लेकिन यहीं से एग्जामिनर ये डिसाइड कर लेता है कि इस रिपोर्ट को मैं कितने मार्क्स देने वाला हूँ। अगर आप एब्रप्टली शुरू कर देते हैं, इट वाज वेरी गुड, वी सेलिब्रेटेड वेरी एंथुसियास्टिकली और ये और वो, आप जो है अपना कुछ भी एब्रप्टली शुरू कर देते हैं बिना इन चार चीज़ों को कवर किए, तो एग्जामिनर पर एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है और वो ये तय कर लेता है कि लास्ट तक जाते जाते आपको वो कितने मार्क्स देने वाला है। तो यहाँ से ओपनिंग पैराग्राफ आप ठीक से लिखेंगे, फिर फिफ्थ में आप क्या कवर करेंगे, मिडल में, मिडल जो मिडल ऑफ द रिपोर्ट है, रिपोर्ट का जो बीच में आ गया, हाउ और वाई, यानी कि डिस्क्रिप्शन, हाउ मीन्स डिस्क्रिप्शन, जो भी इवेंट हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, वो कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें, और क्यों हुआ, पर्पस, वाई में क्या होता है, पर्पस होता है, क्या पर्पस था किसी कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराने का, किसी स्पोर्ट्स कैंप को ऑर्गेनाइज कराने का, कोई रैली करने का, कोई कैंपेन करने का, क्या पर्पस था। तो ये हम मिडल में इसको कवर करते हैं, ओपनिंग हो गया, मिडल हो गया, फिर इसी में, इसी फिफ्थ में अगर हम देख लें तो इसी में फिफ्थ में फीडबैक होता है, इसी में हम फीडबैक भी लेते हैं, फीडबैक इन द सेंस कि पूरा जो ये घटना हुई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इस घटना का इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसे हम सम टोटल लिखते हैं फीडबैक में, फीडबैक लेते हैं कि इस ये जो घटना हुई इसका क्या इम्पैक्ट होने, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट में कवर हो जाता है। और जो एंडिंग होती है, एंडिंग में आप क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं,
कंक्लूजन देते हैं, है ना, बस यही होता है कंक्लूजन में। अब ये हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग कंक्लूजन होता है। अगर कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, तो उसका कंक्लूजन कैसा होगा? हैप्पी नोट पे खत्म होगा। हैप्पी नोट पे खत्म होगा उसका कंक्लूजन। और अगर कोई अगर ये तो इवेंट या सेलिब्रेशन हो गया, अगर कोई मिस हैपनिंग है तो वो किस पे खत्म हो गया? मेजर्स क्या क्या लिए गए, है ना, मेजर्स क्या क्या लिए गए, है ना, डेटा ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया अगर कोई हुई है तो, यही होता है सब कंक्लूजन में। और होप, होप पे हम खत्म कर देते हैं कि आगे जो है अगर हम ये मेजर्स अपनाएं या और मेजर्स यदि अपनाए जाएं तो वो मिस हैपनिंग में आप बचा जा सकता है या उसको, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। बस रिपोर्ट में हमें रिपोर्ट को ज़्यादा इमोशनली होकर नहीं लिखना होता, हमें सिर्फ फैक्ट्स डालने होते हैं। फैक्ट्स इस तरह से डालने होते हैं कि रिपोर्ट बिल्कुल लाइव लगे कि हाँ हमारे सामने ये घटना घटित हुई, ये घटना सच में ही, ये इवेंट या ये सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि उसमें हमने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके उसके फैक्ट्स को हमने लिख लिया है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको इसके वीडियो के लिंक में इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप इसको वहां से नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा रिपोर्ट का पूरा फॉर्मेट हो गया और हम सारी रिपोर्ट्स इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। देखिए, हमने रिपोर्ट राइटिंग में जो हमारा टॉपिक लिया है एनुअल डे सेलिब्रेशन, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, कई बार हमने देखा भी आया है। और यहाँ पर हम बिल्कुल एनुअल डे सेलिब्रेशन हमने टॉपिक डाल दिया क्वेश्चन से लेकर। क्वेश्चन में हमें बता दिया गया कि जो है इसको लिखने वाली है अदिति, ठीक, और यहाँ पे प्लेस एंड डेट दिल्ली अप्रैल 24, 2021। यहाँ से हमारी रिपोर्ट का जो फॉर्मेट था, आपको ध्यान हो मैंने जो फॉर्मेट डिस्कस किया था उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने ये तीन चीज़ें कवर कर ली। अब हम ओपनिंग पैराग्राफ करेंगे। ओपनिंग पैराग्राफ में कैसे एनुअल डे सेलिब्रेशन के बारे में बताना है, क्या क्या लिखा था, व्हाट, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर और हु, कौन कौन इन्वॉल्व थे। तो यही शुरू करेंगे, तो यहीं से शुरू करेंगे। द मच अवेटेड, क्योंकि हम सब बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं एनुअल डे सेलिब्रेशन का। द मच अवेटेड एनुअल डे सेलिब्रेशन वाज हेल्ड ऑन, यहां पे डेट लिख दीजिए, इन स्कूल ऑडिटोरियम लिख दीजिए, इन स्कूल ऑडिटोरियम तो व्हाट व्हेन वेयर हो गया। सेवरल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट सेवरल सेवरल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक, यहां पे एक्टिविटीज लिख दीजिए, है ना, हैवी टर्नआउट
ऑफ बोथ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स lifted the spirit and enthusiasm of the of the event a notch higher. तो ये हु भी हमारा हु भी कवर हो गया. द मच अवेटेड एनुअल डे सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड ऑन डेटेड इन स्कूल ऑडिटोरियम. सेवरल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक heavy turnout of both the parents and the students lifted the spirit and enthusiasm of the event a notch higher. अब हमें इसके बाद क्या करना था, how, कैसे हुआ इवेंट और क्या पर्पज था इवेंट का. तो हम सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे द सेलिब्रेशन या द फंक्शन कमेंस्ड, द फंक्शन कमेंस्ड, the function commenced with light with lighting the lamp by the function commenced with lighting the lamp by lighting of the lamp by honorable chief guest name and designation. chief guest का नाम और designation लिख देंगे. the function जो था वो start हुआ दीप प्रज्वलन से, lighting the lamp, honorable chief guest. the girls of 12th class sang a beautiful Saraswati Vandana. Which proceeded by a welcome song, which proceeded by a sweet welcome song. बस सरस्वती वंदना भी हो गई, वेलकम सॉन्ग भी हो गया. तो हमारा जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो गया. the energetic programs performed by talented students set the tone for the rest of the program, rest of the function.
एनर्जेटिक प्रोग्राम्स परफॉर्म्ड बाय टैलेंटेड स्टूडेंट्स सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द फंक्शन। अब इसी में हम इसको एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, delivered a welcome speech in honor of chief guest and other dignitaries. जो हमारे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने जो वेलकम स्पीच होती है, सबको हम वेलकम करते हैं, बुके देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको सीट देते हैं स्टेज पर। तो ये प्रिंसिपल सर ने वो एक वेलकम स्पीच डिलीवर की चीफ गेस्ट और अदर डिग्निटरीज के ऑनर में। क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में हम लिख देंगे प्राइजेस were distributed among the academic achievers and स्पोर्ट्स विनर्स बाय द ऑनरेबल चीफ गेस्ट। द प्रोग्राम वॉज एंडेड at 8 p.m. by the heartwarming and inspiring speech of honorable chief guest. बस यहाँ पे हमारा, हम ये देखते हैं कि हमारी जो हमारी रिपोर्ट है वो दी एंड हो गई। बस यहाँ पे लास्ट में लिख दें, एवरीवन लेफ्ट द प्रीमाइसेस इन अटर जॉय एंड विद लॉट्स ऑफ मेमोरी। दी एंड, खत्म। इसके नीचे हमें कुछ नहीं लिखना होता, हमारी रिपोर्ट यहीं पर ही फिनिश हो जाती है।